संत में, सज्जन में और दुर्जन में यही अंतर है। दुर्जन जब शक्ति पाता है ना, तो वो रन मद मत तो फिर जग धावा, और प्रतिभट खोजत कतऊ न पावा। वो सोचता है कि किसको हरा दूं, किसको मार दूं, कौन मुझसे ज्यादा पहलवान है, यही देखा जाएगा। याद रखेगा, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीरणाय खलस्य साधुस्य विपरीत मेदत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवाद के लिए करता है खल अर्जित, धन मद के लिए, अहंकार के लिए अर्जित करता है, और शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए करता है। लेकिन वही संत विद्या दूसरों पे कृपा करने के लिए करता है, धन दूसरों को दान देने के लिए अर्जित करता है, और शक्ति दूसरों की मदद करने के लिए करता है। यही दोनों में अंतर है। अब हमको संत बनना है या दुष्ट बनना है, ये हम लोगों को फैसला करना है। माताओं बंधुओं, तो रन मद मत फिर ही जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, भुज बल विश्व बस्य करी राखे सी को न स्वतंत्र, मंडलीक जिमि रावन राज करसी निज मंत्र। जो मैं कहूंगा वही होगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। रावण ने जब सबको अध्यादेश पारित कर दिया ना, सारे राक्षसों को भेज दिया ना माताओं बंधुओं, तो धर्म का ह्रास होने लग गया, धर्म पे चलने से लोग डरने लग गए। कारण, जो धर्म करता था उसे तो मार दिया जाता था, अधर्मी का संरक्षण मिल रहा था पीछे से। तो ये समाज में गुण भी है, दुर्गुण ये है कि भय और आस के कारण कभी कभी वो जो पावरफुल व्यक्ति होता है उसी के ही साथ चल देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, समाज वैसा ही होने लग जाता है। जैसा जैसा यथा राजा तथा प्रजा। अब इसको दुर्गुण मानिए और चाहे इसको नीति मानिए, तो क्या हो गया, जब रावण जैसे राजा बन गए तो क्या अंतर आ गया समाज में। बोले बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, चोरी डकैती लूटपाट चालू हो गई। जे परधन पर धन पर जेता कहीं पर धन पर दारा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। और जिनके यह आचरज भवानी, सो जान निश्चर सब प्राणी। न संतों का आदर हो रहा था, चोरी डकैती बढ़ रही थी माताओं बंधुओं, और इसी चोरी डकैती में यज्ञ हवन के जब विघ्न डाले जा रहे थे, तो वहां बक्सर के पास, बिहार के पास की घटना है, एक महान तपस्वी संत रहते थे। क्या नाम था उनका? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महाराज वहां रहते थे, और विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते थे जब भी, तो राक्षस आकर के उनके यज्ञ में विघ्न डाल देते थे। विश्वामित्र जी महाराज के आस पड़ोसी यज्ञ जब करते थे, संत लोग उनमें भी विघ्न डलता था। क्या होता था? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि देखत यज्ञ निशाचर धावहिं, और कर रही उपद्रव मुनि दुख पावहिं। संत दुखी है, यज्ञ नहीं हो रहा है, गायों की गोशालाएं जलाई जा रही हैं, ब्राह्मणों के आश्रम जलाए जा रहे हैं, और प्रभु क्या कर रहे हैं? भगवान तो आ चुके हैं ना, लेकिन कर क्या रहे हैं वो इस समय? वो तो सर झुबर तीर ही तीर फिरे। कविता वाली बालकांड,
लीला मचा रहे हैं, लीला दिखा रहे हैं। सरजू बर तीर ही तीर फिरे, रघुबीर सखा रुबीर सबय, धनु ही कर तीर निशंग कसे कटी, पीत दुकूल नवीन भवय, तुलसी ते ही अवसर लावनीता, दस चारी नौ तीन इक्कीस सबय, मति भारती पंगु भई जो निहारी, बिचारी फिरी उपमाना भवय। वो तो वहां पे आनंद ले रहे हैं, सरजू के घाट के किनारे अपने रूप की लालिमा बिखेरते घूम रहे हैं। तो गाधी तने मन चिंता व्यापी, गुरुदेव विश्वामित्र जी को लगा कि प्रभु आए किसी और कार्य के लिए थे और कर कुछ और रहे हैं। अवतार का कारण सार्थक नहीं होता दिख रहा, भगवान ने जन्म ले लिया है, प्राकृत तो हो गया है, लेकिन जिस कारण आए थे वो कारण कब होगा? ये निशाचरों को जो मारने का बेड़ा उठाया था वो कैसे होगा? कि हरि बिनु मर ही न निश्चर पापी, तो तब मुनि बर मन कीन बिचारा, अरे आ तो गई है अब प्रभु अवतरे उहरन मही भारा। जब अवतार ले ही लिया है प्रभु ने, तो विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा कि आज नहीं तो कल तो उनको मारना ही है, लोगों को आज नहीं तो कल तो मारना ही है, मार देंगे, कौन हमारे भरोसे बैठे हैं वो। लेकिन यदि हम चले जाएं और हम जाकर के उनको ले आए राक्षसों को मरवाने के लिए, तो आने वाली पीढ़ियों में हमारा कितना बड़ा नाम हो जाएगा, बहती गंगा में हाथ धो लूंगा मैं भी, विश्वामित्र जी राम जी के गुरु बन जाएंगे, प्रभु का दर्शन हो जाएगा, उनको जो करना है वो तो वो करेंगे ही, कौन मेरे लिए रुके हैं, लेकिन दर्शन भी हो जाएगा तो ए हूं मिस देखूं पद जाई, इसी बहाने दर्शन हो जाएंगे चरणों के प्रभु के। करी बिनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना, एही विधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। सोचते हुए विश्वामित्र जी महाराज चले जा रहे हैं, आज प्रभु के दर्शन हुए, प्रभु के दर्शन करने से पहले सरजू माता में स्नान कर लिया जाए, पवित्र हो जाए। अच्छा महात्मा आ गए अयोध्या धाम में, महात्मा का पदार्पण हो गया, कितनी बड़ी बात है, लोगों को मालूम पड़ा रे महात्मा आया है कोई। देखिए संत का आगमन हो जाए तो हल्ला हो जाना चाहिए, संत आया है, संस्कारी लोग सोचते संत आया है, अरे भेंट कर लो मिल लो, महात्मा है किस कारण से आया होगा। विश्वामित्र जी महाराज जब आए, दूतों को मालूम पड़ा, गए कहां महाराज, महात्मा जी आए हैं। एक कौन से महात्मा जी आए हैं? अरे कहा वही महात्मा जी आए हैं जो एक बार पहले भी आ चुके हैं। जब आए थे तो क्या हुआ था? कहा एक बार बहुत पहले यही महात्मा जी जब आए थे ना, तो आपके पुरखे जो थे उनको ऐसा सपना सुनाए कि सपना सुनाते सुनाते और सारी जमीन जायदाद सब कुछ अपने नाम कर ली और भिखारी बना के भेजा उनको, और आपके पुरखों को जाके कल्लू डोंग के हाँ जाके नौकरी करनी पड़ी, बीवी भी बिक गई, और कल्लू डोंग के हाँ जाकर हुकुम अपने मालिक का चलने न दूंगा, बिना कर लिए लाश चलने न दूंगा। हरिश्चंद्र जी महाराज ने नौकरी की और अपने बेटे तक के लिए कर वसूला उन्होंने कि उसके बिना नहीं, इनका इतनी दुर्गत कराई। वही महात्मा चले आ रहे। अरे चक्रवर्ती सम्राट ने सोचा कि न जाने फिर से कौन सा सपना देख लिया हो, न जाने कौन से फिर से आकर के ये बम गिरा दे, तो सोचा चलो चलो महाराज को पहले ही मना लो, महाराज यदि कोई हम पर कष्ट देने आ रहे हो तो उससे पहले ही चल के उनको इतना प्रसन्न कर दो कि वो भक्त को दुखी कर ही ना पाए, कोई कष्ट दे ही ना पाए, इतना प्रसन्न कर दो। तो माताओं बंधुओं कैसे प्रसन्न किया चक्रवर्ती सम्राट ने विश्वामित्र जी महाराज को, जानते हैं? ये भी मैं बहुत राज की बात आपको बता रहा हूं। महात्माओं को संतों को प्रसन्न यदि करना हो, आपको खुश करना हो,
तो केवल दो ही उपाय हैं इसके, बिल्कुल राम बाण है। कितना भी, अरे भाई इस राम बाण से नॉर्मल महात्मा जो जिसका मूड ठीक है, न्यूट्रल है, वो तो प्रसन्न हो ही जाएगा। जो क्रोध में भी आया होगा ना, वो क्रोधी भी प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा मैं रामबाण बता रहा हूं महात्माओं को प्रसन्न करने का। सबसे पहला काम, यदि महात्मा को, संत को आपको प्रसन्न करना है, उनका दिल जीतना है, तो अरे महाराज दंड प्रणाम, महाराज चरण छुई, महाराज पाए लागी, जहां आप दो चार बार महात्मा जी से कहेंगे ना दंड प्रणाम दंड प्रणाम दंडवत, तो महाराज जी सोचेंगे मन में कि चलो भागवा पहनने का कुछ तो सार्थक हुई बात, कम से कम प्रणाम वणाम तो लोग कर रहे हैं, महात्मा बन गए, यानी हम दंड प्रणाम हो रहा तो अपने आप प्रसन्न। अच्छा अच्छा, मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं, एक महात्मा क्रोध में आए थे, उनको इसी प्रकार से मनाया गया है। पितु समेत कही कही निज नामा, परशुराम जी महाराज लगे करण सब दंड प्रणाम, विश्वामित्र मिले पुनियाई, प्रणाम करो दंडवत करो, पद सरोज मेले दो भाई, और जनक बहोरी आई सिर नाव, दंड प्रणाम दंड प्रणाम दंड प्रणाम दंड प्रणाम। थोड़े से ठंडे हुए, लेकिन फिर तब तक फिर मामला बिगड़ गया था, लक्ष्मण जी महाराज सब मामला ही बिगाड़ दिया, वो एक अलग प्रसंग है। तो दंड प्रणाम दंड प्रणाम, तो चक्रवर्ती सम्राट ने भी सोचा कि दंड प्रणाम कर लो अच्छे से, कि कोई सपना अपना देखा हो तो भूल जाए। तो क्या किया, बोले चरण पखारी की नहीं अति पूजा, मोसम आज धन्य नहीं दूजा, प्रभु दंड प्रणाम, चरणों को धोया गया, चरण पखारे गए, अहो भाग्य मुनिवर आप हमारे यहां पधारे। विश्वामित्र जी महाराज पहले ही नॉर्मल थे, वो कौन सा गुस्से में थे, प्रसन्न हुए। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट को लगा कि कोई कसर न रह जाए प्रसन्नता में, कोई कमी न रह जाए, तो दूसरा फॉर्मूला भी अपनाए, दूसरा उपाय भी अपनाए महात्मा को प्रसन्न करने का। दूसरा क्या उपाय है प्रसन्न करने का, वो भी बड़े राज की बात है। पहला तो है दंड प्रणाम, और दूसरा है चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे महात्मा हो, उनका दूसरा उपाय है प्रसन्न करने का, भोजन। यदि आप दिव्य दिव्य उनको भोजन करा दें, हलवा पूड़ी कचौड़ी रसमलाई रसगुल्ला, जो आपको अच्छा अच्छा दिव्य दिव्य मिल जाए खिलाने को, तो समझ जाइए कि महात्मा संत ब्राह्मण प्रसन्न। भोजन दूसरा उपाय। एक घटना आपको बताऊं, एक पंडित जी थे, गृहस्थ संत समझ लीजिए उनको, गृहस्थ संत। तो गृहस्थ संत के यहां ब्राह्मण भी थे, तो जो भक्त होते हैं, एक भक्त आए, उन्होंने कहा महाराज हमारे यहां निमंत्रण है, चलिए आपका भोजन है। तो महाराज जी ने भी सोचा कि परान्न दुर्लभा, इस संसार में कुछ दुर्लभ है तो पराया अन्न है, अपने हाथ मिल ही रहा है और तो चल के खाना है, वाह भोजन के लिए बुलाया। तो बेटा भी थोड़ा नया नया ट्रेंड हो रहा था, तो बेटे से कहा देखो बेटा, उसने कहा कि आपका बेटा भी है साथ में, बटुक भगवान को भी ले चलिए, वो भी अच्छा दिव्य भोजन करें। तो बेटे से कहा ले आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे। अब जब चला गया वो जजमान, तो इन्होंने अपने बेटे से कहा देखो बेटा आज तुम पहली बार जा रहे हो भोजन करने निमंत्रण पे, तो निमंत्रण में भोजन कैसे करते हैं ये सीख लो, इसकी ट्रेनिंग मैं तुमको पहले दे देता हूं कैसे भोजन किया जाता है। कैसे किया जाता है पिताजी, कहा जब भोजन करना ना वहां जाकर के, तो बीच में पानी मत पीना बस गलती से। क्यों पिताजी, अरे कहा आप बीच में पूड़ी खा के फिर पानी पियोगे, तो पूड़ी के बाद फिर वो पानी भी थोड़ी जगह ले लेगा कि नहीं ले लेगा, तो तुम्हारी दो पूड़ी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी पेट में, पानी मत पीना, केवल पूड़ी खाना जितना खा सकते हो, पानी बाद में पीना दो घंटा बाद, तब नहीं पी लेना गलती। ठीक है पिताजी, अब निमंत्रण बैठ गए सब, अब बच्चा ने लिए पूड़ी खाई, धन्न से पानी मंगाया और पी लिया। पंडित जी को तो दमटो तो खून नहीं निकले, लेकिन अब वो भरी सभा में कैसे कह दे, तब चुपचाप देख रहे क्या करे।
तो फिर दूसरी पूड़ी खाई, फिर धन्य से पानी पी लिया, तीन पूड़ी खा करके समाप्त हो गए। तो कुछ नहीं बोले, जब बाहर निकल के घर आए तो सबसे पहले दो पड़ाका मारे बच्चे को। मूर्ख, तेरे को समझाया था ना भोजन करते समय, बीच में पूड़ी खाते समय पानी मत पीना, पानी क्यों पिया? तो बच्चे ने कहा, पिताजी दरअसल बात यह है कि जब मैं पहली पूड़ी खाता था ना तो पानी पीकर उसको पाट देता था, जो थोड़ी पूली पूली से ऊपर, तो उसको पानी से और दब जाए, जैसे मिट्टी तो दबाने के लिए पानी होता है ऊपर वाली, तो पट जाता था और तो जगह बन जाती थी पानी से, कोई मैंने गलत नहीं किया? तो और दो पड़ाका मारे। अरे मूर्ख, पहले मुझे बता देता, मेरी और तूने चार पूड़ी का नुकसान कर दिया, मैं भी पाट लेता पानी से। तो महात्माओं के लिए भोजन दिव्य दिव्य मिले, बस आनंद से हो, और क्या चाहिए। तो राजा जी ने सोचा इसमें भी कोई कमी ना रह जाए, क्या किया, बोले विविध भांति भोजन करवावा, चोष सेव्य लेय और पेय, चार प्रकार के भोजन होते हैं हमारे यहां। चोष माने चूसने वाला, चव्य माने चबाने वाला, लेय यानी चटनी वटनी, और पेय यानी जूस। ये चार प्रकार के भोजन होते हैं, सब कुछ रख दिया सामने, क्या खाना है क्या नहीं खाना, जो खाना हो खाइए। तो विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष तब पावा, प्रसन्न हो गए, महाप्रसन्न हो गए विश्वामित्र जी महाराज, वाह। तो सोचा अभी भी कोई कसर न रह जाए, जो बाकी है तब तक पुनि चरण मेले सुत चारी। चारों बेटों को बुलाया, चारों बेटों को बुलाया, और देखिए भाव बदल रहा हूं। चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, गुरुवर आप प्रसन्न हुए कि नहीं? हाँ हाँ हो गया। यदि आप प्रसन्न नहीं हुए गुरुवर, तो पुनि चरण में ले सुत चारी, अगर आपकी प्रसन्नता में कहीं थोड़ी बहुत कमी हो गई हो तो दंड प्रणाम के लिए पुनि चरण में ले सुत चारी, ये चार भी ले लो, ये भी दंड प्रणाम कर सामने कर रहे, अब तो प्रसन्न हो गए। तो राम देखी मुनि देह विसारी, राम जी को देखते हैं तो विश्वामित्र जी महाराज तो बेहोश, रूप देखकर बेहोश विश्वामित्र जी महाराज। तो चक्रवर्ती सम्राट तो डर गए, अरे ये क्या हो गया, आप बताइए। कोई, मैंने कल जैसी बात कही थी, कोई महात्मा आए और आकर के आपके बच्चे को देखे और देखकर बेहोश हो जाए तो आप डर नहीं जाएंगे कि ये क्या हो गया, ये कैसा मामला है? तो चक्रवर्ती सम्राट डर गए, पानी छिड़का गया, क्या हो गया क्या, और पानी छिड़का और गिरे हैं विश्वामित्र जी। छिड़कते छिड़कते विश्वामित्र जी से पूछते हैं चक्रवर्ती सम्राट, कैसे आना हुआ बताइए, ये क्या कर रहे हैं? के ही कारण आगमन तुम्हारा, जल्दी बताइए क्यों आना हुआ, जल्दी कैसे आना हुआ। तो वो भी लेटे लेटे वहीं से आंखें खोल के राम जी की ओर देख के बोलते हैं, क्यों आना हुआ बताओ बताओ। बोले मुझे तो अनुज समेत देहु रघुनाथा, मैं ये राम को लेने आया। अब इतना सुनना था कि चक्रवर्ती सम्राट बेहोश, इनको पानी डाल के उठाया गया, आप उठिए। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हलानी, एकदम मुंह सूख गया, लेट गए, बेहोश हो गए राजा जी। उठे, जब उठे तो विश्वामित्र जी से कहते हैं, एक बात बताइए गुरुदेव, कैसी आप बात कर रहे हैं, राम को दे दूं मैं आप कह रहे हैं? गुरुदेव, राम के बदले आपको जो जो चाहिए वो ले लीजिए, सब कुछ आपके लिए निछावर है, एक क्षण में मांगना ही है तो मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देव निमिष एक माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। राम जी को नहीं दे पाऊंगा,